जल्द ही बाहर मिलेंगे, लव यू ऑल। मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी अपने समर्थकों को चिट्ठी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए एक बेहद भावनात्मक खत जेल से लिखा है। उन्होंने कहा, अपने क्षेत्रवासियों से ये वादा किया कि जल्द ही वो जेल से बाहर आकर सभी से मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों का इसलिए भी धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी पत्नी का बहुत ख्याल रखा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम मामले में जेल में बंद है, अपने विधानसभा के क्षेत्रवासियों को चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को चिट्ठी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम मामले में जेल में बंद है, आपने विधानसभा के क्षेत्रवासियों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लोगों से कहा है कि वो जल्द ही बाहर मिलेंगे और लोगों का धन्यवाद दिया है कि उन्होंने उनकी पत्नी का भी ख्याल रखा। सिसोदिया ने लिखा है कि जल्द ही बाहर मिलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। पिछले एक साल में मुझे सबकी याद आई, सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया। जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी, वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की तानाशाही के बाद भी आजादी का सपना सच हुआ। वैसे ही एक दिन हर बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा मिले। अंग्रेजों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अंग्रेजों ने कई सालों तक गांधी को जेल में रखा। अंग्रेजों ने नेल्सन मंडेला को भी जेल में रखा। ये लोग मेरी प्रेरणा है और आप सब मेरी ताकत। विकसित देश होने के लिए अच्छी शिक्षा स्कूल का होना जरूरी है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में शिक्षा क्रांति आई। अब पंजाब शिक्षा क्रांति की खबर पढ़कर सुकून मिलता है। जेल में रहकर मेरा प्यार आप लोगों के लिए और बढ़ा। मेरी पत्नी का आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। सीमा, आपकी सबकी बात करते हुए भावुक हो जाती है। आप सब अपना ख्याल रखिए।